जीली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदेद। आज का मौजू है मसीहियत के दुनिया पर एहसानात। आम तौर पर मसीहियत को सिर्फ यूरोप और मगरब की तहजीब साजी और इसकी तरक्की के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। ताहम ये तासर सरासर गलत है, क्योंकि मसीहियत ना सिर्फ मगरब को बल्कि सारी दुनिया को अपने मुस्बत असरात और अपने बेपनाह और बेशुमार एहसानात से नवाज चुकी है और नवाज रही है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि जदीद ज़माने की कुल सूरतगरी और तामीर व तरक्की बहुत हद तक मसीहियत और सिर्फ मसीहियत ही की मरहूने मिन्नत है, तो ये दावा गलत ना होगा। तो गोया जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़मानों को बदल देने वाली इस अजीम तहरीक की बुनियाद खुदावंद यसू अल मसीह ने 31 AD में इसराइल में रखी और पतरस रसूल को इसकी बुनियाद का कुलीदी पत्थर करार दिया। यरूशलम से अपना सफ़र शुरू करने वाली मसीहियत की ये जोरावर और ज़बरदस्त तहरीक ने जल्द ही तुर्की, यूनान, मशरक़ वस्ता, एशिया, रूस और फिर देखते ही देखते यूरोप तक सलीब के पैगाम के परचम लहरा दिए। यूरोप मसीहियत कबूल करने के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और महजब कौमों का मशल बरदार रहनमा, इल्म की रोशनी का मीनारा और तहजीब का गहवारा बन गया। मसीहियत कबूल करने से पहले यूरोप की पहचान इंसानियत दुश्मन और वहशत व बर्बरीत से भरी रसूम थी। नन्हे मासूम बच्चों को बीमार पड़ने पर, ख़ास तौर पर जब उनकी बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ जाती, तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता ताकि वो जंगली जानवरों का लुकमा बन सकें। इंसानी कुर्बानियों का सिलसिला यूरोप में भी उस वक्त बड़ा आम था और ख़ानदानी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं था। एक आदमी जितनी चाहे बीवियाँ रख सकता था और जब मर्जी उनको तलाक देकर फारग कर सकता था। तलाक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब मर्जी मर्द अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर सकता था। शादी को तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी नहीं कबूल किया जाता था। उधर अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो सती की रस्म बड़े अरूज पर थी और ये तो रस्म तब तक कायम रही जब तक बरतानवी राज ब्रिटिश रूल इंडिया में ना पहुंचा, और ये ब्रिटिश रूल ही था जिसने हिंदुस्तान में सती की रस्म को दूर किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये भी मसीहियत की और बाइबल के कलाम के मुताबिक एक कदम था। चाइना में लड़कियों की फुट बाइंडिंग की रस्म भी बहुत देर तक कदीम अरसे से जारी रही, जो कि 1912 में मसीही मिशनरियों की मेहनत की बदौलत ख़त्म की गई। आम तौर पर कहा जाता है कि मसीहियत ने गुलामी के खात्मे के लिए तो कोई कदम ना उठाया, लेकिन ये दावा भी सरासर गलत है। ये मसीहियत ही थी जिसने बिल आखिर अमरीका से और पूरे यूरोप से और तकरीबन पूरी दुनिया से गुलामी के खात्मे की तहरीक चलाई। अमेरिका में तो इस पर पूरी जंग लड़ी गई, सिविल वॉर लड़ी गई और बाद में अब्राहम लिंकन की मेहनतों के नतीजे में गुलामी का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन बावजूद इसके बाकी दुनिया में गुलामी का सिलसिला जारी रहा। रोमन सल्तनत में और उसके कल्चर में एक रस्म यह भी थी कि जब कोई फौजी या कोई सिपाही दुश्मन के नरगे में आ जाता और उसके बचने की कोई उम्मीद ना होती स्वाय इसके कि वो जंगी कैदी बन जाएगा, तो ये उसकी तरबियत का हिस्सा था कि जब उसे पकड़ लिया जाए तो वो खुद को अपनी ही तलवार पर गिराकर खुदकुशी कर ले। यानी इंसानी ज़िंदगी की कोई कदर व कीमत नहीं थी। लेकिन जब रोमन एम्पायर के एक नामवर बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने मसीहियत को कबूल कर लिया, तो उसके इस कदम ने ना सिर्फ रोम बल्कि पूरे यूरोप और बाद में पूरी दुनिया ही को बदल कर रख दिया। जब रोमियों ने मसीहियत को कबूल कर लिया तो मगरब में सारा यूरोप, मशरक में बिजेंटाइन एम्पायर, समाजी, मुआशरती, तालीमी और मजहबी मामलात में तरक्की की वो मनाजिल तय करता गया जिससे बाद में आने वाली दुनिया ने भरपूर इस्तफादा किया और आज तक कर रही है। मगरब और मशरक में बड़े बड़े कैथीड्रल बने और उनके साथ जुड़े हुए तालीमी इदारे वजूद में आए। यूरोप में रेफरमेशन यानी नशात सानिया या इसलाह नौ की चलने वाली तहरीक ने साइंस, आर्ट्स और दीगर अलूम को पूरी दुनिया में अपने अरूज पर पहुँचा दिया। इसी दौरान माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची और राफेल जैसे आर्टिस्टों ने फनून लतीफ़ा को नई रिफतों से आशना करवा दिया। मौसीकी में हैंडल, मोजार्ट और बीथोवन की बनाई हुई सिम्फनीज आज भी दुनिया को महसूर करती आ रही हैं। प्रिंटिंग की दुनिया में भी इनकलाब 1455 में गुटनबर्ग की बाइबल की छपाई से ही आया और इसके बाद जिसे यूँ कहते हैं कि द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, इसके बाद ये फ़न आज तक अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है।
जब इंसानी हकूक़ की बात होती है तो आम तौर पर मसीहियत का इनकार करने वाले ये कहते हैं कि ये एक बतदरीज प्रोसेस था जिसमें से दुनिया गुजरती गई और इंसानी हकूक़ की तहरीक जोर पकड़ती गई। लेकिन ये बात सच नहीं है। इंसानी हकूक़ की तमाम तर तालीमात और आज जो भी इंसानी हकूक़ पे बात होती है उसका माखज़ बाइबल और मसीही तालीम ही रही है। इसका एक सबूत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ का इदारा ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिनेवा में मौजूद है और जिनेवा से ही ह्यूमन राइट्स के चार्टर का इजरा किया गया। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मजदूरों के हकूक, औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक, यहाँ तक कि हर इदारे में काम करने वाले हर इंसान के हकूक का तहफ्फुज़ इन्हीं तंजीमों की बदौलत पूरी दुनिया में यकीनी बनाया जाता है। फन्ने तामीर में यूरोप, मगरब और मशरक़ वस्ता में भी बड़े बड़े कैथीड्रल्स और बड़ी बड़ी नई इमारतों का तर्ज तामीर भी मसीहियत के ही मरहूने मिन्नत रहा है। नेस्टोरियन क्रिश्चियंस ने यूनानी अलूम को यूनानी जबान से शामी और अरबी जबानों में तर्जमा किया, जिसकी वजह से मशरक में, खासतौर मशरक वस्ता में, इल्म ने एक नई जिला हासिल की। ये मसीहियत ही थी जिसने यूरोप के वहशी कबीलों को, जिनमें स्लेविक, हुन और वैंडल्स और सेल्टिक कबीले थे, उनको टेम किया, सुधाया, और वही लोग आज दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौमों में शामिल होते हैं। दुनिया अदब में भी मसीहियत ने आज तक वो नाम पैदा किए हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं मिलते। इंग्लिश लिटरेचर के मायानाज राइटर जॉन मिल्टन, जिनकी मशहूर किताब द पैराडाइज लॉस्ट, विलियम शेक्सपियर के ड्रामे, चार्ल्स डिकन्स और थॉमस हार्डी के नावल और इसके अलावा हज़ारों दीगर मशहूर किताबें सब मसीही राइटर्स की ही हैं। शायरी में जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ और इसके अलावा और बड़े बड़े नाम सब मसीही मज़हब से ही ताल्लुक़ रखते थे। अब नाकदीन ये कहेंगे कि डार्क एजेस के बारे आप क्या कहेंगे, डार्क एजेस में मसीहियत ने दुनिया को क्या दिया। आमतौर पर डार्क एजेस के बारे में कहा जाता है कि ये मसीहियत का और यूरोप का सयाह तरीन दौर था और उस वक्त बाकी कौमें बड़ी तरक्की कर रही थी। लेकिन ये भी एक बायस क्लेम है। अगर आप गहराई में मुतालिया करें तो डार्क एजेस जिन्हें कहा जाता है उसी दौर में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई और एग्रीकल्चर फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिद्दत इसी दौर में लाई गई। ये डार्क एजेस ही थी जिसमें तिब, इल्म फलकियात और एस्ट्रोनमी पर तहकीक और मुतालिया जारी रहा। साइंस में गैलीलियो से लेकर न्यूटन और न्यूटन से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा साइंसदान मसीही मज़हब से ही ताल्लुक़ रखते आए हैं। इसका सबूत ये है कि नोबल प्राइज़ हासिल करने वाले तकरीबन 76% साइंसदान और इन्वेंटर्स मसीही ही हैं। 1000 से ज़्यादा पेटेंट इन्वेंशंस करने वाले साइंसदान इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन भी मसीही मज़हब से ही ताल्लुक़ रखते थे। और सबसे बड़ा नाम न्यूटन, उनके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि वो बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने साइंस के हवाले से बहुत कुछ लिखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने साइंस के अलावा बाइबल मुकद्दस और मसीही तालीमात पर बहुत ज़्यादा तहकीक की और उनकी बहुत सी किताबें मसीहियत के हवाले से भी मौजूद हैं। हज़ारों मीलों का सफ़र कम करने वाले एक पास्टर के बेटे यानी कि राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज़ की ऐजाद की। दुनिया भर में मसीही तालीमी अदारे आज भी बड़ी इज्जत और वकार की हैसियत रखते हैं। हर जगह लोगों की यही कोशिश होती है कि वो गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल्स से ज़्यादा मसीही अदारों में अपने बच्चों को भेजने में कामयाब हों। पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि कैथीड्रल स्कूल सिस्टम में गैर अकवाम भी इसी कोशिश में रहती हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी तरह से कॉन्वेंट्स में या कैथीड्रल स्कूल सिस्टम में दाखिला हासिल कर सकें। और ये सिलसिला पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, मगरब, हर जगह हर एक की कोशिश होती है कि वो ऐसे मसीही अदारों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। जहाँ तक हेल्थ और मेडिकल के शोबे का ताल्लुक है तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी जिसने नर्सिंग के शोबे की बुनियाद रखी और आज भी नर्सेस जब ग्रेजुएट होती हैं तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का तहरीर करदा हलफ उठाती हैं। मेडिकल और हेल्थ के शोबे में दुनिया भर में मसीही हस्पतालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये पब्लिक हॉस्पिटल से कहीं ज़्यादा मुस्तनद और काबिल एतमाद समझे जाते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि साइंसदानों का मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं,
दुनिया भर के जितने भी बड़े साइंसदान गुजरे हैं उनका मसीहियत के साथ गहरा ताल्लुक था। अमेरिकन खातून हेलन कैलर, जो कि नाबीना और बहरा थी और बोल भी नहीं सकती थी, उन्होंने बहरे, नाबीना और गूंगे लोगों के लिए दुनिया भर में ऐसे अदारे कायम किए जो हेलन कैलर इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां बहरे, गूंगे और नाबीना लोगों के लिए इल्म के दरवाज़े खोले गए हैं और उनकी तरबियत की जाती है। जहां तक इन्वेंशंस का ताल्लुक है और साइंस का ताल्लुक है, तो आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी न किसी मसीही साइंसदान या इन्वेंटर की ईजाद ना हो जो आम इंसान के इस्तेमाल में है। रेलवे इंजन ही ले लें, स्टीफनसन ने तैयार किया, बिजली का बल्ब थॉमस एडिसन ने, ब्लड ग्रुप्स, सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर का सारा निज़ाम, स्पेस ट्रैवल, नए सितारों की खोज, चांद पर जाना, टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया, हर घर में मौजूद टीवी जॉन लोगी ने ईजाद किया, कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने ईजाद किया, रेडियो टेलीग्राफ मार्कोनी ने ईजाद किया, कैमरा 1885 में एक फ्रांसीसी मुअज्जिद जोसेफ निसोफोर ने ईजाद किया और इसे 1827 में सबसे पहली बार तस्वीर ली गई। इसके अलावा घरों में आम चीज़ें जो हर एक इस्तेमाल की हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े अमीर घरों में विक्टोरिया फर्नीचर रखा जाता है, वो भी क्वीन विक्टोरिया के हवाले से। आज भी दुनिया भर में हर एक की कोशिश होती है कि वो मगरबी ममालिक का रुख करे और वहाँ उसे किसी न किसी तरह से पनाह मिल जाए। अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स हर साल अपने मुल्क में लेता है। इसी तरह से यूरोप के बहुत से ममालिक, तकरीबन सारे ही ममालिक पूरी दुनिया से हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में इमिग्रेंट्स लेते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सुना कि किसी यूरोपी या मगरबी ममालिक से लोग एशिया की किसी कंट्री में जाके इमिग्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये मसीहियत का ही एजाज है कि मसीहियत ने पूरी दुनिया को तरक्की दी, पूरी दुनिया को इंसानी हकूक बख्शे, पूरी दुनिया मसीही साइंसदानों की और इन्वेंटर्स की बनाई हुई चीज़ों से इस्तफादा कर रहे हैं। पूरी दुनिया की कोशिश है किसी न किसी तरह से किसी मसीही यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं ताकि ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, और ये सब के सब एजाज हैं मसीहियत के और बाइबल मुकद्दस के और मसीह के मानने वालों के। मसीहियत दुनिया में जहाँ गई, अमन और मोहब्बत और दूसरों की खिदमत के जज्बे को लेकर गई और मसीहियत ने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये मसीहियत ही है जो इतना बड़ा दिल रखती है कि हर एक को कबूल कर लेती है, हर एक का सहारा बनती है और हर एक इसी की तरफ देखता है कि किसी न किसी तरह से किसी मसीही मुल्क में पहुंच जाए और वहां अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर जी सके। लेकिन इसमें अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लोग अपने मुल्कों को छोड़कर मसीही मुल्कों में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर इन्हीं मसीही मुल्कों को अपने मुल्कों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। पहले वो अपने मुल्कों की ज़्यादतियों से और प्रॉब्लम से भागकर मगरबी मसीही ममालिक में आते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं मगरबी मसीही ममालिक को अपने मुल्कों जैसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये मसीही ममालिक ही हैं जो नेशनैलिटीज़ भी देते हैं और कारोबार करने की भी इजाज़त देते हैं, वर्क ऑथराइजेशन भी देते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ भी देते हैं और हर एक को कबूल करते हैं, क्योंकि ये मसीहियत का पैगाम है और ये मसीह का हुक्म है। बाकी ममालिक का हाल तो आप सब जानते ही हैं, बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल प्रेजेस to our Lord Jesus Christ, for all nations will turn to Him. सब तारीफें खुदा यीशु मसीह की, क्योंकि हर घुटना उसी के आगे झुकेगा। आमीन। God bless you. Thank you for watching. Injili Media.